नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विनीत। दोस्तों आज की वीडियो एक बेसिक वीडियो रहने वाली है। मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक डाउट क्लियर करूंगा। मेरी वीडियोस पे दोस्तों बहुत कमेंट करके लोग पूछते हैं, पता नहीं दोस्तों क्यों उनको एक कन्फ्यूजन रहती है। दोस्तों कमेंट होता है, मान लीजिए आपका चेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आपको किसी ने चेक दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपके खाते में डालने के लिए पैसा, और आपका बैंक कोई और है। मान लीजिए आपका बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखो स्टेट बैंक का आपको किसी ने चेक दिया है, यूनियन बैंक में आपका खाता है, तो चेक दोस्तों कहाँ लगाना है। सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। आप और आपका दोस्त हैं, आपको भूख लगी है, तो खाना अगर आपका दोस्त खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो इसी एग्जांपल से दोस्तों सारी बात क्लियर हो जाती है। आपका खाता जो है यूनियन बैंक में है, तो वो चेक दोस्तों आपने अपने खाते यानी यूनियन बैंक में लगाना है। स्टेट बैंक का आपको चेक मिला, आप उसको यूनियन बैंक में लगाएंगे जहाँ आपका खाता है, तो ठीक है दोस्तों वहाँ आपने लगाना है और वहीं लगेगा। SBI में चेक लग ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ आपका खाता है ही नहीं। और दोस्तों किसी भी बैंक का चेक हो, किसी भी बैंक में क्लियर हो जाता है, कोई टेंशन लेने की बात। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें चेक मिलता है, नया सा बैंक दिखता है हमें, हमने उसका नाम भी सुना नहीं होता, पता नहीं यार ये क्लियर होगा भी कि नहीं। दोस्तों आपका बैंक जो भी है, कहीं से भी आपको चेक मिले आपका चेक क्लियर हो जाता है। तो बस दोस्तों यह था आज की वीडियो में, उम्मीद है छोटी सी जानकारी थी, जिसको नहीं पता थी उसको अच्छी लगी होगी, बाकी दूसरे लोगों को लगेगा कि यार इस वीडियो की क्या जरूरत थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, और जो मेरे सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।